Hello, welcome to Arbind, Singh Academy. We are going to discuss today about improvement in food resources. This is a very, very important topic for present scenario, and it is a very, very important topic for competitive examination too. So, आज इस टॉपिक पे बात करते हैं और ये टॉपिक अभी जितने भी एग्जाम हो रहे हैं देश के अंदर उन सब के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है. अल्दो ये क्लास नाइन्थ की टॉपिक है लेकिन कंपटीशन में आजकल बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछे जा रहे हैं. सो हम बात करते हैं कि इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज में क्या क्या पढ़ना है. जैसा कि चैप्टर के नाम से ही पता है कि फूड रिसोर्सेज में इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, अभी हमारी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है और उसमें हम सुधार कैसे करेंगे, तो ये सब इस टॉपिक में सीखेंगे. और बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और कंटेम्प्रेरी टॉपिक है जिसका कि बहुत ज्यादा यूज है. तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज क्या है. फूड के बारे में अगर ये बात करें कि फूड जो है वो क्यों जरूरी है और फूड क्या है, तो किसको हम फूड कहेंगे ये समझना भी जरूरी है. फूड वो सब्सटेंस है जिसमें क्या क्या मिलता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, फैट मिलता है, मिनरल मिलता है, तो ये सब जो है वो फूड कहलाता है. फूड से हमें ये मिलता है. और फूड मिलता किससे है, तो फूड का सोर्स कौन कौन से हैं, तो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों हैं. यानी अगर इम्प्रूवमेंट करनी है तो प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं उन दोनों में करनी पड़ेगी. यही हमारे रिसोर्स है. फूड के रिसोर्स क्या हैं, प्लांट्स और एनिमल्स. तो फूड रिसोर्सेज क्या क्या है और उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, पहले ये समझते हैं. फूड रिसोर्सेज फूड रिसोर्सेज के जनरेटर कौन कौन है, तो फूड रिसोर्सेज के जनरेटर हैं प्लांट्स और एनिमल्स. एनिमल्स दोनों से दो हमें फूड मिलता है. फूड में मिलता क्या क्या है, इस रिसोर्सेज के जरिए क्या क्या मिलता है, तो ये फूड रिसोर्सेज से मिलता है हमें कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स मिलते हैं हमें, राइट. मिनरल्स में क्या क्या हो सकता है, लाइक सोडियम, फॉस्फेट, राइट, एटसेट्रा, आयोडीन, आयरन, ये सब हमें जरूरत होती है. तो इन सब चीजों की भी जरूरत जो पूर्ति होती है, जो सप्लाई होती है, वो हमें प्लांट्स और एनिमल्स के जरिए होती है. मिनरल्स में हमें चाहिए कैल्शियम, हमें चाहिए सोडियम, हमारी बॉडी के अंदर सोडियम भी होता है, फॉस्फोरस होता है जो बोन के लिए बहुत जरूरी होता है, बोन फॉस्फोरस से ही बना होता है, ठीक है ना. तो कैल्शियम, सोडियम, आयोडीन, आयरन, यू नो, तो ये सारी चीज एटसेट्रा, ये सब मिनरल्स चाहिए हमें हमारी बॉडी को सर्वाइव करने के लिए. तो प्लांट्स और एनिमल्स हमारे बेसिक फूड रिसोर्सेज हैं. यानी हमारी डिपेंडेंसी जो है वो प्लांट्स पर है और एनिमल्स पर है फूड के लिए. तो क्या हमें फूड की जीने के लिए ये सारी चीज जरूरी है, सर्वाइवल के लिए हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को ये सारी चीजें चाहिए, और ये सारी चीजें प्लांट से मिलेगी या एनिमल से मिलेगी, तो हमें सर्वाइवल के लिए प्लांट्स पे और एनिमल्स पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा. एनिमल्स का मतलब ये है कि हर एक तरह का एनिमल जो एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं. ये एक चेन है जिस चेन की बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट ये समझ लीजिए फिलहाल कि एनिमल से ही भी हमें ये प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स और कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एक्सेट्रा, ये सब भी मिलता है. तो प्लांट्स पर सबसे पहले जैसे इंडिया की बात करें, तो इंडिया में हमारे देश में क्या है कि वी आर डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर. प्लांट में क्या क्या आता है, एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट. और एनिमल्स में क्या आएंगे, एनिमल्स में डायरेक्ट एनिमल्स होते हैं, फिर डेयरी प्रोडक्ट्स होती है, फिर जो और भी प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक पशुपालन वगैरह, लाइक एनिमल हस्बेंड्री है, तो ये सब जो है उसमें इस एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट दो तरह से हम डिपेंड होते हैं. एक फॉरेस्ट पे, फॉरेस्ट्री,
और फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर, ये दो पार्ट हम कह सकते हैं कि दो तरह से प्लांट पे हम डिपेंडेंट है। एक मोस्ट ऑफ जो हमारी पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। इंडिया में एग्रीकल्चर की बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर पे पॉपुलेशन की डिपेंडेंसी है। अभी पहले कहते थे कि 70% अप्रॉक्स जो है 68-70% लोग जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। इसका मतलब फूड के लिए हम ज्यादा से ज्यादा डिपेंडेंट किस पे हैं, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स पे हैं और एग्रीकल्चर के बायो प्रोडक्ट पे, बाई प्रोडक्ट पे हैं हम लोग, कि बाई प्रोडक्ट एग्रीकल्चर का और एग्रीकल्चर पे हम डिपेंडेंट हैं। ठीक है, जो फॉरेस्ट्री है उसपे किस तरह से डिपेंडेंट होंगे उसकी भी बात करेंगे, बट अभी एग्रीकल्चर पे हम डिपेंडेंट है और हमने फूड रिसोर्सेज के लिए बहुत सारा काम किया हुआ है। इसके लिए जो है प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में ग्रीन रिवॉल्यूशन हुई है, ग्रीन रिवॉल्यूशन, और इससे क्या होता है कि इससे जो है वो बहुत सारा जो है प्रोडक्शन एग्रीकल्चर पे, जो प्लांट का प्रोडक्शन हुआ, जो कैपेसिटी है बहुत तेजी से बढ़ा है। मतलब हम फूड के लिए किस पे डिपेंड रहे हैं, फूड के लिए डिपेंडेंसी इस तरह से हो सकती है कि या तो हम बहुत ज्यादा कल्टिवेशन के लिए और ज्यादा जमीन एक्वायर करें और बहुत ज्यादा जमीन का इस्तेमाल करें एग्रीकल्चर प्लांट को ग्रो कराने के लिए, या ये हो सकता है कि हम जो प्लांट, जो हमारे पास जमीन है उसकी एबिलिटी, प्रोडक्शन की एबिलिटी जो पर हेक्टेयर है वो हम इम्प्रूव करें। तो पहले ही से इंडिया में क्या है कि बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर लैंड है और उस पर हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं और बहुत ज्यादा लैंड का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। लैंड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करें तो बहुत ज्यादा लैंड हमारे पास पहले ही से बहुत ज्यादा, जितना इंडिया में लैंड का इस्तेमाल एग्रीकल्चर के पर्पज से होता है उससे क्या होता है कि हमारी जो इकोसिस्टम है वो पहले ही से डिस्टर्ब हुई पड़ी है। हमारी जो जो एटमॉस्फेयर है, हमारी जो जो इकोसिस्टम है वो पहले ही से डिस्टर्ब है, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा जमीन पे खेती करते हैं और फॉरेस्ट को बहुत बड़े पैमाने पे सफाया किया गया, पहले फॉरेस्ट को कट किया गया और इसको डिफॉरेस्ट करके और फिर हम उस पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कर रहे हैं। सो इससे फॉरेस्ट के जो प्रोपोर्शन होने चाहिए एक्चुअल में उसके लिए वो कम है, जिसकी वजह से जो है टाइम पे बारिश नहीं हो रही है, कहीं पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, कहीं पे जो फ्लड आ रहा है, कहीं पे ड्रॉट हो रही है। तो इस तरीके से पहले से हमने अपने सिस्टम के साथ जो हमारी जो क्लाइमेट है उसके साथ हमने बहुत ज्यादा नाइंसाफी की हुई है। तो अब हम बहुत ज्यादा लैंड को बहुत ज्यादा एक्वायर नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं सकते, लैंड तो उतनी ही रहेगी ऑलमोस्ट और उसमें कम ही होता जा रहा है दिन पे दिन, क्योंकि ज्यादा ज्यादा अर्बनाइजेशन होते जा रहा है तो जो एग्रीकल्चर लैंड है उसमें भी कमी होती जा रही है और वहाँ टाउनशिप बनते जा रहे हैं, वहाँ फैक्ट्री डेवलप हो रही है, तो इसलिए लैंड जो है वो कंपेरेटिवली धीरे धीरे कम ही होती जाएगी। तो क्या करना चाहिए, लैंड को तो हम बढ़ा नहीं सकते, तो दो ही बातें हैं कि या तो हम लैंड को बढ़ाएं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, या क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाएं पर हेक्टेयर के हिसाब से, जो एबिलिटी है क्रॉप के प्रोड्यूस करने की वो बढ़ाएं। तो दोनों में से पहला चीज जो है वो पॉसिबल नहीं है, उसके लिमिटेशंस हैं, दैट कैन नॉट बी इंक्रीज फर्दर बिकॉज वी हैव अ लिमिटेड टेरिटरी इन विच देयर आर लिमिटेड लैंड इन विच देयर आर सो मेनी माउंटेन्स एंड फॉरेस्ट, so we have a some limited area in which we can use as agriculture land. so इस तरीके से जो है वो क्या है कि हमारे पास limited है, पहली scope, दो ही scope है जिसमें पहली scope जो है वो limited है, तो दूसरी scope पे काम करना पड़ेगा। और दूसरी scope पे काम करने के लिए green revolution हुआ जिसमें क्रॉप प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ा है और वी इंक्रीज द प्रोडक्शन वेरी मच, इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स, प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स, राइट ना। तो ग्रेन प्रोडक्शन के लिए ये हमने किया, ग्रीन रिवॉल्यूशन हुई है और इससे बहुत ज्यादा तेजी से सुधार हुआ है फूड प्रोडक्शन में। अब हमारे देश में लगभग 130 मिलियंस लोग हैं और इतने मिलियंस लोग के लिए, 130 मिलियंस लोग, लगभग 130 करोड़ लोग हैं, 130 करोड़ लगभग लोग हैं, तो इतने 130 नहीं 1300 मिलियंस हो गए, सो 130 करोड़ लोग हैं, तो 130 करोड़ लोग में जो फूड है वो अभी भी हमारे पास बहुत ज्यादा सरप्लस हो रहा है। ऐसा नहीं है कि फूड की हमें कोई क्राइसिस है, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद हमारे पास फूड की पर्याप्त जो स्टॉक होता है हुआ है, लेकिन
इससे बात बनने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम में जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बहुत तेजी से हो रही है, और आने वाले टाइम में जो जितनी रिक्वायरमेंट होगी उस रिक्वायरमेंट और उस चैलेंज को पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी, जो फूड रिसोर्सेज है उसमें इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी। इसलिए ये चैप्टर सारी के सारे जो चैप्टर है वो सेंटर्ड है कि इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, सो दैट वी कैन मीट द चैलेंज व्हिच इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ अस इन कमिंग डेज। आने वाले समय में जो हमारे पास जो चैलेंज आएंगे पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से, तो उस चैलेंज को पूरा करने के लिए जो जरूरत होगी हमें फूड की, उस फूड को पूरा करने के लिए, फूड सप्लाई को पूरा करने के लिए हमें जो रिसोर्स है, रिसोर्स कौन कौन से हैं, प्लांट और एनिमल, उसमें किस प्रकार की इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ये आपको पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि दो चीजें हैं, एक तो एग्रीकल्चर है और दूसरा एनिमल है। एनिमल में भी दो तरह की चीज एनिमल होते हैं, एक तो वाइल्ड एनिमल्स हैं या ऐसे एनिमल्स जो इनडायरेक्ट सप्लाई करते हैं, दूसरा है फॉरेस्ट्री और फिशरीज। फिशरीज पे हम कर सकते हैं, फिशरीज और फॉरेस्ट्री यानी एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री पे हम काम कर सकते हैं, ये इसी बहुत सारा सप्लाई इसी से होती है, ठीक है। तो एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज से जो है वो दो सेगमेंट है जिसमें जो हमारी बहुत सारी रिक्वायरमेंट की जरूरत पूरी करता है। ये रिक्वायरमेंट चाहिए क्यों हमें, कार्बोहाइड्रेट फैट्स विटामिन और प्रोटीन चाहिए क्यों, इसलिए ताकि हमारी बॉडी का प्रॉपर ग्रोथ हो, फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ के लिए जरूरी है। सो फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ के लिए ये सारी चीजें जरूरी है, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ, फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ along with proper health, ठीक है ना, proper health के लिए चाहिए ये सारी food हमें चाहिए, ठीक है, इस तरह से तो ये बातें होंगी। अब हम बात करते हैं कि जो हमारी system है उसमें अभी present scenario क्या है और आने वाले समय में हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने बात किया कि ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ और ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए हमने क्या किया कि बहुत सारे साइंटिफिक इक्विपमेंट्स लगाए और अपनी जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसको बहुत तेजी से डेवलप किया है और पर हेक्टेयर जो आउटपुट था वो इंक्रीज किया है। लेकिन इसके लिए क्या है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन से बहुत ज्यादा हमने फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जिससे क्लाइमेट डेंजर में आ गया है ऑलमोस्ट, और बहुत ज्यादा जो वाटर पॉल्यूशन हो रही है, तो हमने इसके लिए बहुत ज्यादा से ज्यादा जो है क्लाइमेट पे क्या कहें कि अत्याचार किया है। इट इज एक्सेसिव यूज ऑफ क्लाइमेट एंड नेचुरल एनवायरनमेंट फॉर दिस रिवॉल्यूशन। सो वी हैव ऑलरेडी पेड सो मच स्ट्रेस ऑन आवर क्लाइमेट एंड बिकॉज ऑफ दिस ग्रीन रिवॉल्यूशन, अब इससे ज्यादा इस पे स्ट्रेस नहीं दिया जा सकता है, इसको सुधारने की जरूरत है, क्योंकि अभी देख रहे हैं कि जहां तहां किसी किसी एरिया में बहुत ज्यादा ड्रॉट हो रहा है, किसी किसी एरिया में बहुत ज्यादा तेजी से बाढ़ आ रही है, और इस तरह से जो है हमारी क्लाइमेट पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गई है, डैमेज हो रहा है। तो इस डैमेज और डिस्टर्बेंस को कंट्रोल करने के लिए हमें इम्प्रूव करना होगा चीजों को, और ये जो फूड रिसोर्सेज है इस पर डिपेंडेंसी को कैसे इम्प्रूव किया जाए, यही इसमें पढ़ना है। तो एक तो फूड को इम्प्रूव करने के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, दूसरा जो हमने लिखा था पहले ही कि प्लांट और एनिमल पे डिपेंड करते हैं, उसी तरह से एक ग्रीन रिवॉल्यूशन के जैसा एक व्हाइट रिवॉल्यूशन हुआ, यानी रिवॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ रिवॉल्यूशन दो तरह के हुए, एक हुआ ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन जो हुआ वो किसके लिए हुआ, फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स, एंड दिस इज व्हाइट रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ फॉर ग्रेन, ये हुआ फॉर प्रोडक्शन ऑफ, इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन, प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन, ग्रेन्स, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ, द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। अब सवाल है कि बहुत ज्यादा
ये प्रोडक्शन होने से ग्रेन का इसके रखने की भी इसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की भी जरूरत है। ऐसा नहीं है कि सब हमने ग्रेन को बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर दिया तो सबको मिलने लग जाएगा। ग्रेन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हुआ, इसके लिए हमें स्टोरेज डेवलप करने पड़ेंगे, तरह तरह के स्टोरेज चाहिए जिसमें ये रखा जा सके। दूसरा, इस ग्रेन को खरीदने के लिए जो लोग हैं उनके पास पैसे भी तो होने चाहिए, तो इसका मतलब है कि पर कैपिटा इनकम इन एग्रीकल्चर डिपेंडेंट पीपल शुड बी इंक्रीज। उनके जो लोग हैं जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड हैं, जो उनकी खेती ही मुख्य जो जीविका है, खेती ही जो मुख्य है उनकी, जो इम्पोर्टेंट और जो क्या कह सकते हैं कि एक्ट है, जो एक्शन है, जिनकी डिपेंडेंसी जो है पूरी एग्रीकल्चर पे है, उनकी इनकम जनरेट करने के लिए भी कुछ न कुछ उपाय होने चाहिए। तो इस तरीके से जो फूड है उस पे, एग्रीकल्चर है उस पे डिपेंडेंसी के लिए लोगों के पर कैपिटा इनकम बढ़ने चाहिए, तब वो जाके खरीद पाएंगे। खरीदने नहीं खरीदेंगे और फूड प्रोडक्शन हो भी गया तो इससे जो है वो भुखमरी नहीं जाएगी, इससे जो है लोगों का जो प्रॉब्लम है वो दूर नहीं हो जाएगा, लोग इससे जो है वो भूखे रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे ये नहीं कहा जा सकता। सो कहने का मतलब ये है कि इन सारी चीजों को, ग्रीन रेवोल्यूशन जो होगा, इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स, इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, वी हैव यूटिलाइज सो मैनी ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, सो वी हैव टू कीप बैलेंस ऑफ ऑल दोज नेचुरल रिसोर्सेज एंड देन वी हैव टू इंक्रीज इम्प्रूव द एबिलिटी ऑफ food production so that we can meet the challenge which is supposed to come in coming days or coming years, right? तो इस तरीके से यही सारी बातें हमें इस टॉपिक के अंदर सीखना है। So let us discuss improvement in food production, that is agriculture production first, how we can increase the agriculture productions and related food resources and what are the major steps to be taken that we need to understand. So improvement in agriculture production. First, I am going to discuss about improvement in agro production, agriculture production. क्या कर सकते हैं इसके लिए? तो एक तो ये कर सकते हैं कि ऐसी हम breed develop करें, ऐसी variety develop करें crops की जो कि जिसके high yield production हो. So पहला एक scientific approach होना चाहिए. साइंटिफिक अप्रोच फॉर कल्टीवेशन, वी कैन यूज साइंटिफिक अप्रोच फॉर कल्टीवेशन। देन देयर इज अनदर यूज दैट मिक्स्ड फार्मिंग कैन बी टेकन प्लेस, कंसिडरेबल मिक्स फार्मिंग एंड देन इंटरक्रॉपिंग फार्मिंग। इसका मतलब हुआ कि हम एक क्रॉप के अंदर दूसरा क्रॉप करें, इंटरक्रॉपिंग फार्मिंग। और चौथा है इंटीग्रेटेड फार्मिंग। ये सब क्या है और क्यों, कैसे करेंगे इसे इम्प्रूवमेंट, वो हम बताते हैं। साइंटिफिक अप्रोच, व्हाट दिस टेस्ट ऑफ सॉयल, एप्रोप्रिएट यूज ऑफ फर्टिलाइजर। ये हो सकता है पहले हम मिट्टी की जांच कराएं, सॉइल की टेस्ट कराएं, सॉइल टेस्टिंग के बाद एप्रोप्रिएट उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम फर्टिलाइजर का यूज करें, तब ज्यादा बेहतर होगा। उसके बाद होगा यूज हाइब्रिड, हाई यील्ड वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, राइट। तो ये सब साइंटिफिक अप्रोच पे आता है, ठीक है ना। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वाटर लेवल, दीज आर साइंटिफिक अप्रोच, राइट ना।
So we can use the test soil, test the soil, then there is appropriate. कई बार ऐसा होता है कि एक ही जो mineral है वो जो soil में बहुत ज्यादा है वही mineral हम बार बार उसमें और ज्यादा डालते रहते हैं because we have no knowledge about which type of soil is which type of mineral and fertilizer is more here and component are more in this soil. So before using this, एक ही तरह का कोई fertilizer जो है बार बार use करके उस soil में और soil में उसकी जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है फिर बाकी दूसरे fertilizer जिसकी जरूरत होती है वो नहीं होता इससे क्या होता है कि धीरे धीरे जो होती है उसकी fertilization जो होती है soil की वो fertility कम हो जाती है और वो खत्म हो जाता है. Mixed farming का ये मतलब ये है कि एक ही साथ है हम कई सारे तरह के जो है वो farming कर सकते हैं और उसकी अलग अलग जो है उससे क्या होता है कि उससे जो फर्टिलाइजेशन होती है वो सॉइल की वो मेंटेन रहती है. ठीक है, इंटरक्रॉपिंग फार्मिंग मतलब ये होता है कि एक बड़ा सा कोई भी हम क्रॉप लगा दिए हैं उसके बीच में छोटे छोटे क्रॉप जो कम ड्यूरेशन के हैं उनको लगा करके और उससे हम इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं. इससे जो है लगातार एक फसल के लिए एक क्रॉप के लिए बहुत लंबे समय तक इंतजार नहीं किया जा सकता उनके बीच में हम दूसरे क्रॉप का प्रोडक्शन कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे ऐसे क्रॉप हैं जिसको कि जनरेट होने में और कंप्लीट होने में पूरी तरह से लगभग वन ईयर का टाइम लग जाता है 8 से 10 महीने का टाइम लग जाता है. सो इन बिटवीन वी कैन यूज द डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स व्हिच कैन बी प्रिपेयर्ड इन 2 or 3 months. सो दैट विल बी यूजफुल एंड दैट विल बी हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन. Integrated farming is what along with the farming most of the time farmers are free so they can along with the farming they can be beekeeping they can do you know beekeeping they can do fisheries they can do animal husbandry or poultry can be run by the farmers. So along with this crop production they can do all these activity even dairy they can do you know so dairy they can do dairy they can do dairy means kya ke kuch cattle palne hote hain aur isko hum animal husbandry bhi kehte hain aage ja kar ke kahenge. तो ये सब जो integrated farming के अंदर आता है ये उसके by products हैं जो इस्तेमाल करके और हम इन सब बिजनेस को भी कर सकते हैं. ये सब भी हमारी जो विटामिन्स मिनरल और फूड रिसोर्सेज की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करने में ये सब भी बहुत हद तक कारगर है. दे आर आल्सो सफिशिएंट टू सप्लाई द न्यूट्रिएंट्स एंड द विटामिन्स व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सो दिस इंटीग्रेटेड फार्मिंग विल इंक्लूड ऑल दीज थिंग्स मोर देन वन क्रॉप्स इन मिक्स फार्मिंग टूगेदर एंड इंटरक्रॉपिंग फार्मिंग मोर देन वन क्रॉप्स टूगेदर दैट इज कॉल्ड मिक्स फार्मिंग. more than one crop at a time that is mixed farming. crop at the time. So finally the improvement in crop productions agro production improvement in agro production agriculture production that is crop production can be written crop production can be divided into three stages and we can generate all these three stages one by one and we can discuss this that there are three stages in first stage second stage and third stage the improvement in crop productions are as follows right. So crop variety improvement crop variety improvement this is the first stage where we can work crop variety improvement. So whenever first and the basic thing that how to improve the variety of the crop which we are using the second stage crop production में कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं वो देखना है. पहले तो वेराइटी जो हम यूज कर रहे हैं क्रॉप के लिए जो सीड वगैरह है उनकी जो वेराइटी है उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए काम करें ताकि वो कम समय में
प्रिपेयर हो सके, टाइम कम हो और उसकी यील्ड जो है यानी प्रोडक्शन जो है वो पर हेक्टेयर वो ज्यादा हो। और तीसरा क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट ये होना चाहिए। क्रॉप प्रोटेक्शन, अगर हम क्रॉप को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो हमने बनाया और क्रॉप अच्छी वैरायटी भी लगाई, सब कुछ किया और जो है वो बहुत सारे जो फंगस है वो लग गए और सारा का सारा बर्बाद हो गया, तो प्रोटेक्शन नहीं कर पाए तो भी दिक्कत है। क्रॉप हमने कर लिया और सारे चूहे खा गए और ऐसी कोई चीज हो गई जो कि उसमें खा गए, सारे नष्ट हो गए, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए भी हमें करना है। क्रॉप हमने जनरेट किया और जो यील्ड आया उसको हमने स्टोर किया कहीं और वहां सब बहुत जल्दी सड़ गए, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए क्या काम कर सकते हैं, तो वो भी जरूरी है। यानी क्रॉप प्रोटेक्शन जरूरी है, क्रॉप प्रोडक्शन जरूरी है, प्रोटेक्शन भी जरूरी है और क्रॉप वैरायटी की इम्प्रूवमेंट भी जरूरी है। तो इसको वन बाय वन करके समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट एंड व्हाट वी कैन डू फॉर, राइट। सो क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट्स कैन बी टू टाइप, वन इज हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन एंड अनदर इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स और क्रॉप्स। सो दिस इज हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस, थ्रू हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस और जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स वी कैन इम्प्रूव द क्रॉप वेराइटी, राइट। तो ये दो चीजें हो गई जिसके बारे में हम डिटेल में अभी बात करेंगे इन सब के बारे में, बट फिलहाल आपको ये याद रखना है, ठीक है। क्रॉप प्रोडक्शंस में हम बात करेंगे, इसमें भी हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, राइट। दूसरा जो इसमें बात होगी वो होगी क्रॉपिंग पैटर्न की, इरिगेशन एंड क्रॉपिंग पैटर्न, इनकी हम बात करने वाले हैं कि क्रॉपिंग पैटर्न कैसा होना चाहिए। तो ये जो चीज है क्रॉपिंग पैटर्न होना चाहिए, ये तीनों की बात करेंगे इसके अंदर। क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट में हम क्या बात करने वाले हैं, सो इरिगेशन और आगे क्रॉपिंग पैटर्न, इसको थोड़ा ढंग से लिख दो, इरिगेशन एंड क्रॉपिंग पैटर्न, राइट। दिस इज आई, सो इन क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट व्हाट वी कैन डू फॉर वीड्स के लिए, इंसेक्ट से बचा सकते हैं इसको, ठीक है। और उसके अलावा हम किससे बचा सकते हैं, प्लांट डिजीज से बचा सकते हैं। और चौथी जो चीज है वो है स्टोरेज, प्रॉपर स्टोरेज चाहिए ताकि वहां पे कोई इसमें नुकसान ना हो, स्टोरेज फॉर प्रोटेक्शन। तो ये सारी चीजें हम वन बाय वन करके इसमें पढ़ने वाले हैं, किस तरह से हम ये फंक्शनल करेंगे और इसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी, ये सारी वन बाय वन करके हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज इतना ही, अगली क्लास में फिर मुलाकात होती है, तो हम इस पे बारी बारी से क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट के लिए क्या काम कर सकते हैं उस पे बात करेंगे, क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट के लिए क्या बात करेंगे, क्या किया जा सकता है वो हम करेंगे, और क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट के लिए क्या किया जा सकता है उस पे भी बात होगी। तो अब ये तीनों टॉपिक को बारी बारी से हम अगले तीन क्लासेज में पढ़ेंगे, एक एक करके, एक क्लास में एक टॉपिक पे डिटेल बात होगी, ये तीन टॉपिक अगले तीन क्लासेज में हम बारी बारी से बात करेंगे और उसके आधार पे हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू एंड फॉर वॉचिंग। सो आई होप यू गॉट द पर्पस ऑफ दिस टॉपिक, व्हाई दिस टॉपिक इज टू बी स्टडीड इन दिस अर्ली स्टेज, बिकॉज यू आर द मेंबर ऑफ ग्रोइंग नेशन एंड सो इन फ्यूचर मोस्ट ऑफ द थिंग्स मैनेजमेंट विल डिपेंड ऑन यू। सो इसलिए आपको अभी से ये सारी बातें सिखाई जा रही है कि आने वाले जो चैलेंजेज है उसके लिए आप प्रिपेयर हो सके। आई होप यू अंडरस्टैंड इट एंड डेफिनेटली यू गॉट द पर्पस ऑफ दिस टॉपिक, वही दिस टॉपिक टू बी डिस्कस इन दिस अर्ली एज
एंड अगली क्लास में हम इसके डिटेल्स डिस्कशन करेंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. गॉड ब्लेस. और किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो जरूर पूछे. और हमारा ईमेल तो आपको पता ही है, arvindsinghacademy@gmail.com. सब्सक्राइब करना ना भूले. थैंक यू. गॉड ब्लेस.